पहले जब भी हम एक स्मार्टफोन लिया करते थे तो अक्सर उसके साथ एक मेमोरी कार्ड जरूर लिया करते थे, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी इतनी कम होती थी कि हम उसमें अपना डेटा सेव ही नहीं कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज लगभग सभी स्मार्टफोन कंपनीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो आज आपको ऐसे फ़ोन भी मिल जाएंगे जिनमें आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। तो अगर आप भी एक ऐसा ही फ़ोन तलाश रहे हैं तो आइए देखते हैं टॉप 7 स्मार्टफोन विथ हाइएस्ट इंटरनल स्टोरेज। मेरी लिस्ट में सबसे पहला नंबर है Xiaomi के Mi Max Prime का, और उसकी वजह यह है कि ये आपको सबसे कम दाम में 128 GB की इंटरनल मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है। साथ साथ इस फोन में आपको मिलेगा 6.4 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर, 4 GB की रैम, 16 MP का रेयर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा और 4850 mAh की बैटरी। हालांकि ASUS ने अपनी Zenfone 3 सीरीज भी निकाल दी, लेकिन मेरी इस लिस्ट में ASUS Zenfone 2 का नाम भी शामिल है, और उसकी वजह यह है कि लगभग 23,000 रुपये में ये फ़ोन आपको अपनी 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ साथ आपको अच्छे स्पेक्स भी ऑफर करता है। जैसे कि इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, आपको इसमें मिलेगा इंटेल एटम प्रोसेसर, 4 GB की रैम, 13 MP का रेयर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा और 3000 mAh की बैटरी। OnePlus ने हाल ही में अपने मॉडल 3 का एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला है जिसका नाम है 3D, और कंपनी ने इसे 128 GB इंटरनल स्टोरेज से लैस किया है। और मेरे हिसाब से ये फ़ोन इस प्राइस रेंज का दी बेस्ट स्मार्टफोन है, और उसकी वजह यह है कि इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर, 6 GB की रैम, 16 MP का रेयर और 16 MP का ये फ्रंट कैमरा और 3400 mAh की बैटरी। अगर आप एप्पल फैन बॉय हैं तो आप एप्पल का आईफोन 6S, 6S प्लस, 7 और 7 प्लस भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इनका भी एक एक वेरिएंट आता है जिनमें आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। हालांकि आईफोन 6 और 6 प्लस में भी आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, लेकिन वो फ़ोन्स थोड़े पुराने हो गए हैं इसलिए हमने उन फ़ोन्स को इस लिस्ट में कंसिडर नहीं किया। हालांकि इस साल आपको सैमसंग गैलेक्सी S8 एज देखने को मिल जाएगा, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S7 एज भी एक शानदार फ़ोन है। 128 GB इंटरनल स्टोरेज से लैस इस फ़ोन का शानदार कैमरा और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको ज़रूर इंप्रेस करेगी, क्योंकि इसमें दिया है 5.5 इंच का डुअल एज क्वाड HD रेजोल्यूशन सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसके अलावा इसमें है एक्सिनॉस 8890 प्रोसेसर, 4 GB की रैम, 12 MP का रेयर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा और 3600 mAh की बैटरी। हाईएस्ट स्टोरेज वाले फोन्स की लिस्ट में अगर गूगल पिक्सल का नाम ना जोड़ा जाए तो ये वीडियो थोड़ा सा अधूरा है। जी हाँ, साल 2016 में गूगल ने अपने पिक्सल XL और पिक्सल को लॉन्च किया था। इन दोनों ही फोन्स में आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इन दोनों फोन में फर्क सिर्फ इतना है कि गूगल पिक्सल 5 इंच फुल HD डिस्प्ले वाला फोन है, जबकि गूगल पिक्सल XL 5.5 इंच का QHD डिस्प्ले वाला फोन है, और इन दोनों फोन्स की बैटरी भी अलग अलग है। अदरवाइज दोनों फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर मिलेगा, 4 GB की रैम मिलेगी, 12.3 MP का रियर कैमरा मिलेगा, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। 128 GB मेमोरी के साथ एप्पल के बाद ASUS के बाद सबसे ज्यादा फोन है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी इस लिस्ट में ASUS का एक और फोन शामिल है जिसका नाम है ASUS Zenfone Zoom। इसके स्पेक्स की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, इंटेल एटम प्रोसेसर, 4 GB की रैम, 13 MP का रेयर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा और 3000 mAh की बैटरी। तो ये थे टॉप 7 स्मार्टफोन जिनमें आपको 128 GB यानी हाईएस्ट मेमोरी मिलती है। अगर आप इन फोन्स खरीदेंगे तो आपको मेमोरी के लिए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन फोन्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उससे जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।